आज 80 दिन से ऊपर हो गए हैं, मणिपुर के बारे में एक भी बात नहीं बोल रहे हैं। ये आरएसएस के लोग हैं सब, जो नफरत फैला रहे हैं देश में, जिन्होंने उस महंगाई को मुद्दे को दबाने के लिए मणिपुर का कांड कर दिया। और बात जन जन तक पहुंचेगी, पहुंच रही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तभी तो मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं दिन भर। शर्म की बात है कि हमारी माताओं, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों के साथ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं। मैं एक बेटी का बाप हूं सर, मुझे मतलब नींद नहीं आई उस रात जब मैंने वो वीडियो देखी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनहित आवाज, देश की आवाज बुलंद आवाज, और मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं जिस तरह से तमाम लोग जो हैं मौजूद हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज यहाँ पे मौन सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया था। आप देख सकते हैं जिस तरह से है, कितने तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार ना डरे गांधी, ना हटे गांधी, लड़े और जीते गांधी। कहीं ना कहीं हर जगह जो है आप देख सकते हैं नारेबाजी के पोस्टर भी लगाए हुए हैं उन्होंने। किस तादाद में लोग जो है वो मौजूद हैं, हम उनसे खास बातचीत करते हैं। आज जिस तरह से आप लोगों ने मौन सत्याग्रह रखा है, जो राहुल गांधी की याचिका जो खारिज कर दी गई है, आपको क्या लगता है कि इस मौन सत्याग्रह से कोई फ़र्क नज़र आएगा? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम लोकतंत्र में रहते हैं और अपनी बात रखने के लिए हमें सत्याग्रह, मौन सत्याग्रह, अनशन, हम कुछ भी जो भी हमें सूट करता है हम करते हैं उसको। और ये बात जो है पूरे देश में पहुंची है, कांग्रेस का एक एक सिपाही कार्यकर्ता अपने घरों से निकल करके पूरे देश में 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह में शामिल हुआ। दिल्ली में बाढ़ आ जाने के कारण ये मौन सत्याग्रह की जो तारीख थी वो आगे बढ़ा दी गई थी, इसलिए आज दिल्ली में ये संपन्न हुआ। और बात जन जन तक पहुंचेगी, पहुंच रही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जिस तरह से विपक्षी दलों ने अब इंडिया नाम रखा है, पर जो पक्ष सत्ता है वो कहीं ना कहीं पूरी आत्मविश्वास के साथ कहती है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार आएगी। देखिए, आपको हक है, आप लोकतंत्र में रहते हैं, तभी तो मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं दिन भर। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो वो इनके झूठों को लोग सड़कों पे आ जाते, लोग इनको झूठा साबित, झूठे इनके बंदी क्या बोल दिए झूठ इन्होंने। अरे भाई, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है बताएं, कहाँ है 2 करोड़, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आए। पवार साहब, लगातार जिस तरीके से मणिपुर के अंदर देखने को मिल रहा है, जो बदहाली है सर, हम सबके लिए शर्म है, शर्म की बात है कि हमारी माताओं, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों के साथ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं। मैं एक बेटी का बाप हूँ सर, मुझे मतलब नींद नहीं आई उस रात जब मैंने वो वीडियो देखी कि इतनी क्रूरता, इतना नफरत लोगों के अंदर बस गई है, रच बस गई है कि वो किसी महिला को इतनी बुरी तरह से बेइज्जत कर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। ये आरएसएस के लोग हैं सब, जो नफरत फैला रहे हैं देश में। इस तरीके से विपक्षी दलों में भी कई महिलाएं हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अभी तक उनमें से कोई आवाज उठाता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये सामूहिक आवाज है, ये किसी एक की आवाज नहीं है, पूरे देश की आवाज है, महिलाओं की, दलितों की, पीड़ितों की, वंचितों की, सबकी आवाज आज यहाँ जंतर मंतर से गूंजी है और ये मोदी के कानों तक पहुंची है और इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंची है। जनता ने ही तो जिताकर पूरे 9 साल रखा था इस भाजपा सरकार को। देखिए, जनता को गुमराह करते आ रहे हैं, कोई भी मुद्दा होता, आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, इन्होंने उस महंगाई को मुद्दे को दबाने के लिए मणिपुर का कांड कर दिया। मणिपुर का काम दबाने के लिए इन्होंने सीमा हैदर को मीडिया पे लाकर खड़ा कर दिया, लोग सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। अरे वो एक महिला है, क्या उसकी समस्या थी, कैसी थी, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। सीमा आप हैदर उसे जरूरी है या वो महिलाएं जो प्रताड़ित हुई है? बिल्कुल, सीमा हैदर को इतना फुटेज दिया जा रहा है, मैं सारे मीडिया के लोगों से ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जागिए, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें वो हैं मणिपुर में जिनके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, उनके आवाज क्यों नहीं बन रहे आप? सीमा हैदर को आप ग्लैमराइज करके अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं,
पैसा कमा रहे हैं, लानत है सारी मीडिया के ऊपर। सीमा हैदर का आपने नाम लिया, क्या समझते हैं सीमा हैदर को? देखिए मैं कुछ नहीं समझता, वो मजलूम महिला है, कुछ भी कारण हो सकता है। ये कह रहे हैं कि वो बकवास कर रहे हैं, जासूस को जासूस आते, अगर कोई जासूस होता ना तो जासूस को ये पकड़ नहीं पाते। जासूस आरएसएस के लोग हैं जो पकड़ में भी आए हैं। सीधे भाजपा पे निशाना डाल रहे हैं आप? बिल्कुल। क्या वजह क्या है, क्यों डाल रहे हैं आप निशाना पे? अरे सर सरकार है, सरकार की जवाबदेही बनती है। इतना बड़ा कांड होने के बाद आज 80 दिन से ऊपर हो गए हैं, मणिपुर के बारे में एक भी बात नहीं बोल रहे हैं। सीमा हैदर पे तो बात हो रही है और रोज सीमा हैदर सीमा हैदर सीमा हैदर चला रहे हैं प्रधानमंत्री ने। वो ये कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख है। भाई दुख का दुख है ये? अरे उसका इस्तीफा होना चाहिए था और वहाँ की सारी सरकार को जेल में डाल देना चाहिए था। उनके मौजूद है पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने ये सब कुछ घटना घटी है। महिलाओं से बात करें, तमाम लोगों ने कहा कि किस तरह से वो 2024 में कांग्रेस सरकार चाहती है। देखा आपने जहाँ पे यहाँ लोग मौजूद थे जिन्होंने मौन सत्याग्रह किया था राहुल गांधी की याचिका खारिज पर, उनको कहीं ना कहीं दुख भी है और वो चाहते हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने वो नारे तो लगाते हैं, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर मणिपुर में जो पिछले 80 से 100 दिनों में जो हालात हो गए हैं, लगातार 3 से 4 महीने में जो वहाँ की हालात हो चुकी है महिलाओं के, वो इस समय जो वीडियो भी आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, उसके बाद भी भारत में एक शर्मनाक लोगों के अंदर एक दुख है, कहीं ना कहीं सारी महिलाएं सारे देशवासियों के अंदर एक आग है। तो आपकी क्या राय विचार है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें हमें। तब तक देखते रहिए जनहित आवाज़, देश की आवाज़, बुलंद आवाज़।